वेलकम स्टूडेंट टू क्लास नंबर 16 इन HTML। इस क्लास नंबर 16 के अंदर हम किस तरीके से अपने HTML वेबसाइट के अंदर जो है ऑडियो और वीडियो लगा सकते हैं, यह हम देखेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम जस्ट ऑडियो लगाना सीखेंगे, इसके बाद हम वीडियो लगाना भी सीखेंगे इस क्लास के फौरन बाद। तो स्टूडेंट देखें, जब ये क्लास में स्टार्ट कर रहा था तो उससे पहले मैं ऑनलाइन गूगल पे गया हूँ और उधर से मैंने एक ये song.mp3 और video.m4v ये दो, एक सॉन्ग की, एक ऑडियो की और एक वीडियो की फाइल मैंने दरअसल डाउनलोड कर ली। अगर मैं इसको डाउनलोड करके भी अगर आपको दिखाता तो काफी लेंथी वीडियो बन जाती, इस वजह से मैंने पहले से इनको डाउनलोड कर लिया, एक MP3 फाइल और एक वीडियो की फाइल। और इन दोनों फाइलों को मैंने एक अलग से फोल्डर के अंदर रखा है जिसका नाम मैंने रखा है मीडिया। ठीक है, जिस तरीके से हम अपनी इमेजेस को अलग इमेजेस फोल्डर में रख रहे थे, इसी तरीके से हम ऑडियो वीडियो फाइल को मीडिया फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना ऑडियो को अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो आप जो ऑडियो इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, पहले उसको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रख लें पहले तो, जिस तरह मैंने रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें ऑडियो, ऑडियो के बाद यहाँ पे आप एक और टैग देंगे सोर्स, और सोर्स के अंदर आपने SRC में देना है अपनी पाथ उसका फाइल का। तो मीडिया फोल्डर में जाए पहले, मीडिया फोल्डर ये रहा हमारा प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम है song.mp3। ठीक हो गया, और हम टाइप में लिखेंगे audio/mpeg। ठीक है, mp3 की जो टाइप होती है वो audio/mpeg ही होती है। ठीक है, तो ये बस इतना सा काम है। उसके बाद फिर यहां पर हम यहां पे लिख देंगे कंट्रोल्स और कंट्रोल्स। ठीक है, यानी कि पॉज का, प्ले का, और जो भी बहुत सारे जो कंट्रोल्स आपका ब्राउजर देता है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इसके थ्रू आ जाएंगे। चले आइए हम ब्राउजर पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें, टोटल हमारी 2 मिनट्स 31 सेकेंड्स की जो है ये MP3 की फाइल है, और यहाँ पे साउंड का जो है ये ऑप्शन आया है, इसके अलावा जो है ये प्ले का बटन है, जैसे मैं प्ले करता हूँ शायद स्टूडेंट आपको सॉन्ग में भी सुनाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली सेम स्टेज काम करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है और आपकी फाइल बिल्कुल परफेक्ट हुई MP3 की, तो आपको साउंड जरूर सुनाई देगा। मुझे तो सुनाई दे रहा है, मैंने दरअसल हेडफोन लगाए रखे हैं तो शायद आप लोगों को सुनाई ना दिया हो, लेकिन अगर दिया है तो वेरी गुड। तो इस तरीके से आप ऑडियो फाइल जितनी चाहें अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।